हेलो एवरीवन, ज्ञानवापी के मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। जी हाँ, ज्ञानवापी जो मस्जिद आज वर्तमान समय में है, ये पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और इसके बड़े साक्ष्य यहाँ पर आपको एएसआई सर्वे की यहाँ पर रिपोर्ट जो यहाँ पर सामने आई है उसमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इसको लेकर के, इस रिपोर्ट के प्रमुख पहलुओं को लेकर के, क्या क्या रिपोर्ट है, क्या क्या साक्ष्य दिखाए गए हैं, क्या क्या यहाँ पर सर्वे ने यहाँ पर माना है कि यहाँ पर ज्ञानवापी जो था ये मस्जिद नहीं बल्कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था और उसी पर यहाँ पर तोड़ करके एक तरीके से मस्जिद का यहाँ पर निर्माण किया गया। और कई सारे साक्ष्य ऐसे भी दिखाए गए हैं जो वर्तमान समय में भी इस मस्जिद में यहाँ पर मंदिर होने के हैं। वो सारी जो घटनाक्रम है उसको हम यहाँ पर समझते हैं और इसको लेकर के देखें। यहाँ पर गणेश, विष्णु, हनुमान की मूर्तियां यहाँ पर मिले हैं, शंकर के यहाँ पर तीन नाम इसमें मिलते हैं। साक्ष्य यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे ऐसे तथ्यों की इसमें जानकारी देता है। तो एक एक करके यहाँ पर इस रिपोर्ट को आइए पढ़ते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। तो वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की सर्वे की एसआई रिपोर्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुवार को यहाँ पर आई है। और यहाँ पर एसआई सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के परिसर में आप देखें तो भगवान विष्णु, गणेश, शिवलिंग की मूर्ति के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है पूरे परिसर में मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा होते हुए यहाँ पर आपको बताया गया है कि, कहने का मतलब है कि जो मस्जिद है ये आपके मंदिर के स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है, यानी कि कोई खाली जमीन नहीं थी जिसपे ये मस्जिद बनाया गया, बल्कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़ करके उसी के स्ट्रक्चर से इस मंदिर मस्जिद के यहाँ पर निर्माण किया गया है। और ऐसे 34 साक्ष्य जो है यहाँ पर आपको पेश किए गए हैं इस एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में। साथ ही यह भी कहा गया कि जो मस्जिद परिसर है इसी के अंदर यहाँ पे महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलापट भी आपको मिला है जो कि इसका साक्ष्य यहाँ पर और भी पुख्ता करता है कि मंदिर यहाँ पर हुआ करता था। और क्या कहा गया है इस एसआई सर्वे की रिपोर्ट में कि ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था, छोटा मोटा नहीं, बड़ा एक यहाँ पर मस्जिद था, सॉरी मंदिर यहाँ पर हुआ करता था। और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के समय ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाया गया और कुछ हिस्सों को तोड़ करके मॉडिफाई यहां पर किया गया और मूल रूप से यहां पे प्लास्टर और चूने से यहां पर इसे छिपाया गया है। यानी कि जो मस्जिद जो यहां पर आपको देखने को मिल रही है इस ज्ञानवापी के क्षेत्र में, यहां पर आपको देखा जाए आपको मंदिर था, औरंगजेब के शासनकाल में इसे तोड़ा गया, काफी सारी चीजों को छुपाया गया चूने और इत्यादि से, पेंटिंग प्लास्टर से की गई ताकि यहां पर उसके साक्ष्य यहां पर ना रह जाएं। पूरी जो रिपोर्ट है करीब 839 पेज की है और एसआई ने परिसर के प्रमुख स्थानों का भी यहां पर जिक्र किया है जिसके आपको साक्ष्य यहां पर आपको मिले हैं। यहां पर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कन्नरथा, प्रतिरथा और नागर शैली में बनी पश्चिमी जो दीवार के अध्ययन से यह पता चलता है हिंदू मंदिर का ये आपको हिस्सा है, अर्थात कि मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है उस पश्चिमी दीवार के संदर्भ से यह पता चलता है कि नागर शैली का बना हुआ यहां पर एक मंदिर हुआ करता था जो कि यहां पर इसके साक्ष्य हैं। ये दीवार जो है 5000 साल पहले नागर शैली में बनी हुई है और दीवार के नीचे जो है 1000 साल पुराने अवशेष यहां पर अभी भी आपको मौजूद है। तो यानी कि यहां पर आपको मंदिर के जो साक्ष्य है वो आपको हजारों साल पुराने यहां पर आपको मिलते हैं। और परिसर में एक शिलालेख का टूटा हिस्सा भी मिला है जिसका मूल जो पत्थर है एसआई म्यूजियम में यहां पर है। यह शिलालेख 1966 का है और इस पर महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। औरंगजेब शासन के 1792-93 के दौरान स्थल का मूल जो तत्व है वो यहां पर आपको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यानी कि ये चीज सिद्ध हो गई है कि वर्तमान समय में जो काशी में यहां पर जो एक विवाद था मस्जिद का मुद्दा, जो ज्ञानवापी यहां पर एक मस्जिद आपको बनी हुई है वो यहां पर मस्जिद मूल स्वरूप में एक हिंदू मंदिर था और एक बड़ा हिंदू मंदिर था जिसके साक्ष्य आपको मिले हैं। जो यहां पर आपको रिपोर्ट में अगर हम देखें जो तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं, यहां पर चार तस्वीरें हैं और इन चार तस्वीरों में यहां पर जो साक्ष्य हैं वो आपको बताए गए हैं क्या क्या यहां से आपको मिलता है। तो पहली जो तस्वीर है यहां पर विष्णु की है और ये जो आकृति है यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो आकृति आप इसमें देखते हैं सैंड स्टोन की बनी है, ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर है, मोटाई जो है 15 सेंटीमीटर है। चार हाथ हैं इनमें, एक में गदा, चक्र, शंख यहां पर आपको धारण किए हुए हैं और कैसे अच्छी कंडीशन में यहां पर ये मंदिर आपको ये मूर्ति जो है आपको मिला हुआ है। दूसरी यहां पर आप मूर्ति देख सकते हैं गणेश की, यहां पर आपको मिली है टेराकोटा की मूर्ति जो है बनी हुई है। पद्मासन में यहां पर गणेश जी आपको बैठे हुए हैं, 8.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर है और अच्छी कंडीशन में इसकी भी प्राप्ति हुई है। तीसरी जो मूर्ति यहां पर है आकृति है, ये हाथ का है जो कोहनी से मुड़ा हुआ है, हथेली ऐसी मुड़ी है जैसे कुछ यहां पर पकड़ा हुआ हो और इसकी लंबाई 8.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है। चौथी जो तस्वीर यहां पर है शिवलिंग की है और यह आकृति सैंडस्टोन से है।
पत्थर पर सांप को उकेरा गया है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और परिधि यहां पर आपको 14 सेंटीमीटर है। तो यानी कि आप देख सकते हैं विष्णु के हैं, साथ ही गणेश की है और यहाँ पर आप ये जो साक्ष्य हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं शंकर के साक्ष्य, यहाँ पर शंकर भगवान के यहाँ पे आपको साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। अब आइए यहाँ पर इस मंदिर में आपको कई ऐसी चीजों के बारे में भी चर्चा की गई है जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इस मंदिर के संदर्भ में। यहाँ पर ASI की रिपोर्ट में देखिए, यहाँ पर एक साक्ष्य बताया गया है कि परिसर के जो खंभे हैं, सारे जो खंभे हैं 1669 यानी कि 17वीं सदी के पहले के हैं और मंदिर के प्रतीक यहां पर होते हैं। हिंदुओं के जो प्रतीक आपको चिन्ह है ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार के पुराने मंदिर के पत्थरों के मलबे से यहां पर बनी है और इस दीवार से जुड़े केंद्रीय कक्ष में बदलाव यहां पर नहीं हुआ है, यानी कि अपरिवर्तित है, जबकि बाहर की जो यहां पर आपको स्ट्रक्चर है दो कक्षों को यहां पर मॉडिफाई कर दिया गया है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वहां पर उसे चिन्ह नहीं किया गया है। ज्ञानवापी के चबूतरे के पूर्वी भाग में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको एक तहखाना मिलता है और तहखाना जो बनाते समय यहां पे पुराने स्ट्रक्चर यानी कि मंदिर के खंभों का यहां पर आपको इस्तेमाल किया गया है। खंभा यानी कि स्तंभ ऐसा मिला है जिसमें घंटियों से यहां पर सजाया गया है और चारों तरफ यहां पर दीपक रखने की भी आपको जगह है। तो एक तरीके से जो मंदिरों की बनाने की एक शैली यहां पर हुआ करती थी वो सारे साक्ष्य आपको यहां पर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं, दूसरी एक और तस्वीर यहां पर एसआई सर्वे की रिपोर्ट के माध्यम से यहां पर बताया गया है कि पशु और पक्षियों की यहां पर आकृति भी है। धार्मिक इसमें आपको नक्काशी देखने को मिलती है जो परिसर के चारों ओर यहां पर मौजूदा स्ट्रक्चर है। मेहरबानों के निचले सिरों को अगर हम देखें तो वहां पर आपको मूल रूप से कई जानवरों की आकृतियां भी विकृत रूप में यहां पर आपको पाई गई है। इसके साथ गुंबद को अगर आप देखते हैं तो गुंबद का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जो अंदर का यहां पर हिस्सा है, इसमें ज्यामितीय डिजाइन आपको दिखाया गया है और मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य जो प्रवेश द्वार है जो पश्चिमी यहां पर है, इस द्वार को जानवरों और पक्षियों की नक्काशी से यहां पर उसके एक जो तोरण हुआ करता है, प्रवेश द्वार जो हुआ होता है, उसे यहां पर आपको सजाया गया है। इसके अलावा चार भाषाओं में लिखावट मिली है और शिव के यहां पर तीन नाम भी आपको इसमें मिलते हैं। ज्ञानवापी की जो दीवारें हैं शिलापटों पर चार भाषाओं का जिक्र है जिसमें आपको देवनागरी दिखती है, कन्नड़, तेलुगु और ग्रंथ भाषाएं भी यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। भगवान शिव के यहां पर देखें तीन नाम मिलते हैं, जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर, यहां पर आपको तीन नाम हैं। सारे पिलर पहले मंदिर के थे और मॉडिफाई करके यहां पर इन्हें दोबारा यहां पर बना दिया गया है। ये आप यहां पर पिलर देख सकते हैं, मंदिर का यहां पर सिरा देख सकते हैं स्थिति को लेकर के। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं वास्तुशिल्प और कलाकृतियों का यहां पर कुआं कहा गया है, ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया उसको भी देख लीजिए। एसआई ने बताया है कि ज्ञानवापी के जो तहखाने में S1 में देखें तो 2 मीटर चौड़ा एक कुआं है, इसे कवर किया गया है। मंदिर में एक बड़ा आपको केंद्रीय कक्ष आपको दिखाई देता है जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं के संदर्भ में एक यहां पर आपको कक्ष मिलता है। उत्तर की ओर यहां पे 3 कक्ष के अवशेष हैं और दक्षिण और पश्चिम के जो कक्ष हैं अभी मौजूद हैं, लेकिन पूर्व के कक्ष यहां पर अवशेष और इसके आने का विस्तार जो है भौतिक रूप से यहां पर पता नहीं लगा सकता है, अभी नहीं लगाया गया है। और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता जो है सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने यह भी कहा है कि इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो उसमें आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसके यहां पे सारे साक्ष्य मौजूद हैं और अयोध्या की तरह बनारस में भी अब मंदिर को तोड़ करके उसके पिलर और अवशेष यहां पर आपको मस्जिद बनाई गई है और इस कारण से कहीं ना कहीं यहां पर जो विवाद था कि ज्ञानवापी जो है वो मस्जिद जो है तोड़ करके, जैसे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद यहां पर बनाई गई थी, वैसे ही यहां पर आपको देख सकते हैं कि यहां पर एक मंदिर को तोड़ करके काशी में आपको मस्जिद बनाई गई है। और क्या इसको लेकर के आगे यहां पर क्या फैसला होगा उसको लेकर के अब यहां पर अगली सुनवाई होगी, आगे के यहां पर मामला तय किए जाएंगे। लेकिन आइए इस रिपोर्ट के आखिरी पहलू को, इस रिपोर्ट का तैयार कैसे किया गया, इसको लेकर के क्या तकनीकी अपनाई गई है उसको भी यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जो मामला यहां पर शुरू हुआ, यहां पे हैदराबाद से एक US की टीम आती है और वैज्ञानिक जो होते हैं उसकी स्टडी करती है। SI जो होती है 84 दिनों में यहां पे ज्ञानवापी के परिसर का एक GPR, फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी समेत यहां पे सभी पहलुओं को सर्वे करती है। उसके बाद SI ने करीब 36 दिन में इसकी यहां पर एक रिपोर्ट आपको तैयार कर लेती है। तैयार करने के बाद GPR रिपोर्ट यहां पर तैयार करने में अगले 30 दिन यहां पर और लग जाते हैं और अमेरिका के GPR सर्वे एक्सपर्ट यहां पर इसको तैयार करते हैं। इसके बाद हैदराबाद के साथ अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम जो होती है यहां पर कई दिनों तक 10 मीटर तक गहराई का गहन अध्ययन करती है। उसके बाद अमेरिका में करीब 400 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज और उससे अधिक रेंज के रडार की मदद से यहां पर यह रिपोर्ट आपको तैयार की गई है।
अब इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो 36 दिनों तक तीन हिस्से में यहां पर इस रिपोर्ट को तैयार की गई। जो पहली कॉपी यहां पर देखते हैं उसके ऊपरी हिस्सों में दिखने वाली आकृतियां हैं और स्थलीय बनावट के बारे में चर्चा की गई है, उसके काल और समय आदि का यहां पर आपको डिटेल दिया गया। जो दूसरी कॉपी यहां पर आपको देखने को मिलती है इसमें जमीन के अंदर की जीपीआर सर्वे की डिटेल शामिल है, तरंगों के जरिए ग्राफ बनाया गया है और नीचे मौजूद अवशेषों का एक्सरे है। रिपोर्ट डिजिटल और ग्राफिक्स दोनों के रूप में यहां पर आपको तैयार की गई। और जो तीसरी रिपोर्ट यहां पर आपको तैयार की गई है वीडियो फोटोग्राफी स्थान के साथ मार्क किया गया है। ज्ञानवापी में तीन स्तर पर तैयार रिपोर्ट को पीपीटी स्लाइड में यहां पर तैयार किया गया है और प्रगति की यहां पर सारी जानकारी इसमें उल्लेख की गई है। तो फाइनली इस चीज को यहां पर एएसआई की इस रिपोर्ट को जो आधुनिक तकनीकी के माध्यम से यहां पर जमीन की गहराई और उसके पूरे प्रांगण के एक तरीके से जो सर्वे यहां पर किया गया है उससे एक बात पूरी तरीके से अब स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद बनी हुई है यह मंदिर को तोड़कर बनाई गई यहां पर आपको मस्जिद मंदिर है। तो एक तरीके से आपको जो मंदिर है क्या वो वापस यहां पर मिलेगा या ज्ञानवापी को लेकर के मुद्दे में आगे क्या डिटेलिंग आने वाली है, किस तरीके से सुनवाई होगी, आगे को जो भी यहां पर अपडेट आएगा हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।